जौनपुर यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र छात्राओं ने किया आंदोलन। आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। छात्राओं ने पुलिस से कहा हमको और मारो। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गलत ढंग से कॉपी जांचने का लगाया था आरोप। दोबारा उत्तर पुस्तिका जांच की मांग भी की थी। एसपी संजीव सुमन ने लाठीचार्ज की बात से इनकार किया, कहा कि हल्का बल प्रयोग करने का आदेश पारित किया गया था। कानपुर नगर बीएससी में फेल होने पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं ने सोमवार को सुबह धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा आरोप लगाया कि उनकी कॉपियां गलत ढंग से जांची गई हैं। छात्रों का उग्र रूप देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई थानों की फोर्स मौके पर बुला ली। थोड़ी देर बाद जब छात्र उग्र होने लगे तो पुलिस ने छात्रों तथा छात्राओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को भी नहीं बख्शा। आक्रोशित होकर छात्राएं पुलिस से कहने लगी हमको और मारो। बताते चलें कि सीएसजेएमयू का पीएससी का रिजल्ट लगभग 10 दिन पहले जारी हुआ था। इसमें करीब 70% छात्र छात्राएं फेल दिखाए गए थे। इसी को लेकर आक्रोशित छात्र व छात्राएं सोमवार को यूनिवर्सिटी गेट पर जमा हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने चालू कर दी। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि उनकी कॉपियां गलत जांची गई हैं तथा मूल्यांकन करने वाले लापरवाही कर रहे हैं, जिनका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, इसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीटी रोड किया जाम। सुबह से ही यूनिवर्सिटी गेट पर सैकड़ों छात्र व छात्राएं एकत्र होने लगे थे। समय बीतने के साथ छात्रों की संख्या बढ़ती गई। अपनी मांगों को लेकर छात्र जहां उग्र होते गए, वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी पुलिस बल बुला लिया। आंदोलन के दौरान छात्र व छात्राएं उग्र होते हुए जीटी रोड जाम कर दी, जिससे भयंकर जाम लग गया। जाम से भीषण गर्मी में लोग खींच उठे। ऐसे में गुरुदेव पैलेस से कल्याणपुर की ओर जाने वालों ने मकड़ी खेड़ा के पीछे बने रास्तों से निकलना शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं को आंदोलन करना उस समय भारी पड़ गया जब छात्र उग्र हो उठे। पुलिस ने छात्रों के साथ छात्राओं पर भी जमकर लाठियां भांजी। पुलिस कर्मियों ने छात्राओं पर लाठी चलाने का जरा सा भी हिचक नहीं किया। आक्रोशित होकर छात्राओं ने पुलिस से कहा हमको और मारो। बीएससी की छात्रा ने बताया कि पिछली बार सेकेंड ईयर में काफी अच्छे नंबर आए थे, लेकिन इस बार इतने बेकार नंबर क्यों हो गए? हम लोग तो फेल हैं ही, लेकिन पूरे कॉलेज को ही फेल कर दिया गया। छात्राओं ने कहा कि उनकी मांग है उनकी उत्तर पुस्तिका की दोबारा मांग की जाए। एसपी ने लाठीचार्ज को नकारा। यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस कर्मियों द्वारा छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को मौके पर पहुंचे संजीव सुमन ने पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने लाठीचार्ज की बात होने से इनकार करते हुए कहा लाठीचार्ज नहीं किया गया बल्कि हल्का बल प्रयोग किया गया है। कहा छात्र क्योंकि जीटी रोड को जाम करने की कोशिश कर रहे थे। कहा परीक्षा में कम नंबर आने के कारण छात्र आक्रोशित है और तुरंत संतुष्ट नहीं है। एसपी का कहना है कि छात्रों को लेकर कुछ राजनीति की गई है, जिसमें एमबीबीपी छात्र गुट शामिल हो गया था और सब मामले को सुलझाने के बजाय सड़कों पर उतर आए और जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने के बाद भी जब छात्र नहीं माने, अभद्रता पर उतर आए, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और कहा कुछ छात्रों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो लाठीचार्ज नहीं किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पे जीटी रोड को सड़क सुबह से जाम करने की कोशिश की जा रही थी। छात्रों का कुछ विवाद है आपस में, छात्र कुछ परीक्षा से असंतुष्ट थे, अपने परीक्षा में जिस तरह से उनको मार्क्स मिले थे, उस विषय पे थोड़ी सी राजनीति हुई। एक और गुट एबीवीपी भी इस पर टूट पड़ा, तो दो थोड़ी सी राजनीतिकरण के कारण आपस में टसल हुई। उस टसल को इन लोगों ने कमरे के अंदर सुलझाने के बजाय दोनों पक्ष सड़कों पे आकर के उन्होंने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने कई बार समझाया, लेकिन पुलिस से बातचीत में के दौरान भी उन्होंने पुलिस साथ अभद्रता भी की। कई बार जब हम लोगों ने कोशिश करने के बाद हमें लगा कि ये चीज़ें ऐसे नहीं कंट्रोल हो पाएंगे, और फिर जब मैटर उन्होंने बहुत ख़राब कर दिया, तब हल्का सा बल प्रयोग किया गया और उनको तितर बितर कर दिया गया। स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा घायल नहीं, हल्का बिल्कुल चोट लोगों को है, पुलिस वालों को भी चोटें लगी है हल्की फुल्की, तो उसके खिलाफ जो भी जिन लोगों को चोट लगा उनको मेडिकल करवाएंगे हम लोग, और आगे की जो पुलिस की कार्रवाई है वो करवाएंगे।